हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी लेसन 11, डॉल्स ओवर द एजेस। डॉल्स मीन्स गुड़िया, खिलौने। ओवर द एज सदियों से। इसमें इस चैप्टर में क्या है कि हम डॉल्स से अपनी कल्चर के लिए पता करते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपराएं, दैट मेक अवर कल्चर, जो हमारी संस्कृति की पहचान कराती हैं या हमारी संस्कृति को बनाती हैं। फेस्टिवल्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, ड्रेसेस होती है, वेशभूषा होती है, क्योसाइन होती है, खान पान होता है, भोजन होता है, म्यूजिक एंड डांस आर अ फ्यू ऑफ देम। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये भी उनमें से कुछ हैं जो हमारे कल्चर के लिए बनाती हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द रोल दैट डॉल्स प्ले इन सम कल्चर्स। इस चैप्टर में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे अबाउट द रोल, रोल के बारे में, किसके रोल के बारे में, दैट डॉल्स, जो डॉल्स प्ले इन सम कल्चर्स, जो डॉल्स कुछ संस्कृतियों में प्ले करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, डॉल्स हैं जी, अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी डॉल्स हैं, ये अपना अपना रोल प्ले करती हैं। डॉल्स आर एमंग द ओल्डेस्ट क्रिएशन ऑफ मैन। डॉल्स क्या है, सबसे एमंग द ओल्डेस्ट क्रिएशन, सबसे प्राचीन रचना है ऑफ मैन, व्यक्ति की, यानी डॉल्स सबसे मनुष्य की सबसे प्राकृतिक, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन रचना है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्मॉल डॉल्स ऑफ क्ले। आर्कियोलॉजिस्ट जो जमीन की खुदाई करते हैं, पुरातत्ववेत्ता यानी प्राचीन काल के वैज्ञानिक, प्राचीन समय के, हैव फाउंड, उन्होंने पाई थी स्मॉल डॉल्स, छोटी छोटी डॉल्स ऑफ क्ले, क्ले की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, वुड लकड़ी की बनी हुई, बोन की बनी हुई, एंड आइवरी, आइवरी मीन्स हाथी के दांतों के बनी हुई, फ्रॉम ग्रेव्स यानी खुदाई के दौरान, एंड अदर एरियाज एग्जाइवेटेड, जहाँ जहाँ खुदाई की गई थी वहाँ पर उन्होंने इन सब चीज़ की बनी हुई, जिसके किले, वुड, बोन एंड आइवरी, इन सब की बनी हुई डॉल्स के लिए पाया था, मिली थी। द अर्लीस्ट वंस वर मेड फ्रॉम नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक्स एंड स्टोन्स। सबसे पहले कौन सी थी, वर मेड फ्रॉम नेचुरल ऑब्जेक्ट, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट से बनी हुई थी, स्टिक्स की, स्टिक मीन्स लकड़ी की बनी हुई थी, एंड स्टोन्स और पत्थरों की बनी हुई थी सबसे पहली डॉल। इन इंडिया, भारत में, द अर्लीस्ट डॉल अनअर्थड फ्रॉम द साइट ऑफ द इंडस वैली। इंडिया में द अर्थीस्ट डॉल अनअर्थड, सबसे पहले डॉल्स थी वो खोदी गई थी फ्रॉम द साइट ऑफ द इंडस वैली, जो इंडस घाटी थी उसकी साइट पर, उसकी जगह पर देखी गई यानी खोदी गई थी, खुदाई के दौरान मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। आर एज ओल्ड एज 5000 ईयर्स, वो इतनी पुरानी यानी 5000 साल पुरानी वो डॉल्स पाई गई थी। जब इंडस वैली की खुदाई की गई, इंडस वैली की सभ्यता में मिली थी जब उसकी खुदाई की गई थी। अमेरिकन इंडियन मेड अ डाइटी ऑफ वुड, जो अमेरिकन इंडियन होते हैं वो क्या बनाते हैं, ईश्वर की रचना बनाते हैं, किससे, वुड मीन्स लकड़ियों से बनाते हैं। एंड यूज इट वाइल इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, और इसका यूज करते हैं जब वो धार्मिक समारोह होता है, धार्मिक निर्देश होता है, उसमें उसका यूज करते हैं। सम मदर मेड डॉल्स ऑफ फीदर्स, कुछ मदर्स होती हैं जो डॉल्स पंख लगा देती हैं, एंड प्लेस देम इन अ क्रेडल, और डॉल्स के लिए कहाँ रख देती हैं, क्रेडल में रख देती हैं, ऑफ अ डेड इन्फेंट। कैसी डॉल्स बनाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मृत बच्चा है, उसकी वो मृत बच्चे की आकार देती हैं, उस पर क्या लगा देती हैं, फीदर लगा देती हैं, और क्रेडल में मीन्स गाड़ी वगैरह में, पालकी में रख देती हैं। एंड कैरीड द क्रेडल अबाउट एज दो इट हैड अ लिविंग बेबी, और
क्रैडल उस जिसमें वो रखती हैं डॉल्स के लिए उसको ले जाती हैं अबाउट एज दो इट हैड अ लिविंग बेबी, ऐसा लगता है कि ये कैसा बच्चा हो, लिविंग हो, जीवित हो, यानी डॉल्स बनाती हैं उसके ऊपर फीडर्स वगैरह लगाती हैं और क्रैडल में रख देती हैं और उससे ऐसा लगता है कि वो जीवित हो। डॉल्स ऑफ बोन्स, बोन, बोन की डॉल्स, आइवरी हाथी दांत, दांत की डॉल एंड मैमथ टीथ और विशाल, ये भी हाथी ही होता, हाथी के बड़े बड़े दांतों की डॉल्स, वर वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर थी। दीज वर ड्रेस्ड इन हाइट एंड फर, और इन पर ड्रेस कैसी पहनाई जाती थी, हाइट एंड फर वगैरह लगे हुए होते थे। ऐसे प्राचीन समय में डॉल्स पाई गई थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।